आगे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सुगौली से आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच तूतू मैमे हुई। कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की भी नौबत आ गई। तो आपको बता दें कि मोतिहारी में आरजेडी अति पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। सुगौली से आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह और राकेश रोशन के बीच तूतू मैमे हो गई और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच तूतू मैमे हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की भी नौबत आ गई। तो आपको बता दें कि मोतिहारी में आरजेडी की अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में जमकर हंगामा हो गया है, जहां पर जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच में तूतू मैमे हो गई है। कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की भी नौबत आ गई। देवघर में आरजेडी के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश स्तर के नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी के विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैदर अली खान ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि को वापस नहीं लेगी तो उनकी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर रामगढ़ में जेएमएम ने जिला पार्टी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा गरीबों और किसानों को लूटने का काम किया है। विनोद किस्कू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी को नियंत्रण नहीं करती है तो जेएमएम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। आजकल बंद करके सोया हुआ है कुछ भी तो आपको भी गद्दी से हटा देगी। क्योंकि अभी तो हम लोग एक ही सूत्र मांग है, इसी सूत्र मांग को लेकर के आज हम लोग आए हैं और हम लोग सौंपेंगे। और हमें लगता है कि इस मांग को अगर सचमुच में केंद्र सरकार इस पर सुनवाई नहीं करती है तो सड़क से लेकर केंद्र सरकार को घेराव करने की इसको वापस ले, ब्रेक लगाए, और नहीं तो हम लोग क्या है, इसको अगर नहीं करती है तो आज हम लोग रामगढ़ जिला समिति की ओर से जिला मुख्यम धारणा में है, कल अगर नहीं मानेगी हम लोग सड़क से लेके। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देसी कट्टा, मोटरसाइकिल और चाकू के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले शहर के पटेल चौक के समीप मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधी फायरिंग कर फरार हो गए थे, तब से इनकी तलाश जारी थी। पुलिस के मुताबिक यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। 24 तारीख को मजार में शाम के समय फायरिंग हुई थी और बाद में जब इसका जांच किया गया तो इसमें कई आदमी का नाम आया। मजार के जो पूर्व के अपराधी हैं उसमें 10 से 12 आदमी का नाम आया है और उसमें से कई जो है। जमशेदपुर में पोटका प्रखंड के जंगल में असामाजिक तत्व आग लगा रहे हैं, जिससे पेड़ पौधे तो जलकर खाक हो ही रहे हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी परेशानी हो रही है। लोगों को इस बात का भी डर बना रहता है कि जंगल जलने से जानवर उनके गांवों में घुस सकते हैं। कुछ पक्षी है, अंडा उंडा देता है, लोग जल रहा है, गाय बैल का खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और सामाजिक तत्व तो सब मैंने ये सब जला दे रहा है, लकड़ी उकड़ी कटने के लिए जो छोटा छोटा गाछ है सब मैंने ये कर मर जा रहा है, छोटा छोटा पौधा जो है वो जल जा रहा है, जल जा रहा है हमने तो रात को लगा दिया कई घर। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित शनि मंदिर में अचानक आग लग गई। आग लगने से इस इलाके में सनसनी फैल गई। वहां मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
लातेहार के बरवाडी में सीआरपीएफ की 112वीं बटालियन ने लात पंचायत में जन सहयोग कार्यक्रम चलाया। इसके तहत ग्रामीणों के बीच कंबल, सोलर लाइट और रेडियो बांटे गए। इसके अलावा बच्चों को स्कूली सामग्री दी गई। बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट ने कहा कि नक्सल ग्रस्त इलाकों में नक्सलवाद के खात्मे के लिए ग्रामीणों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड स्थित महावीर मंदिर में आयोजित परायण महायज्ञ खत्म हो गया। इस मौके पर बैंड बाजा के साथ गांव का भ्रमण कराते हुए कलश और प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान ताड़कासुर राक्षसी का पुतला भी जलाया गया। 9 दिनों तक चले इस महायज्ञ में पश्चिम बंगाल और झारखंड के पंडितों ने हिस्सा लिया। देवघर वन प्रमंडल के डीएफओ प्रेमजीत आनंद सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर वन विभाग ने विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में देवघर वन क्षेत्र के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कर्मी शामिल हुए। इस मौके पर रिटायर्ड डीएफओ को उपहार देकर विदाई दी गई। पूरे सम्मान के साथ में, तालियों के साथ में हम इनको 2.5 साल में देवघर जैसे बाबा नगरी में रहना और यहाँ जो नए नए चैलेंजिंग काम थे उसको करने में मुझे काफ़ी संतोष, आत्मसंतोष मिला। कुछ दिन तो मैं अपने घर को समय दूंगा, परिवार को समय। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।